पटना से निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधिश्री, आपका रुख करेंगे, क्या तैयारियां हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आज चूंकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया पूरा कर लेगा, मेगा इवेंट है आज का दिन, और इसलिए किस तरीके की तैयारियां हैं एक बार जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। पटना में पाटलिपुत्र अशोका ये होटल है, ये 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की सुविधा मौजूद रहती है, और चूँकि आज का दिन अहम है इसलिए किस तरीके की तैयारियाँ हैं, अलग अलग यहाँ पर काउंटर्स जो है वो बनाए गए हुए हैं, कोवैक्सीन जिनको कोवैक्सीन लेना है, महिला काउंटर है, कोविशील्ड है, और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। चूँकि पोर्टल जो है वो खुल चुका है, लिहाजा धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रंटलाइन वर्कर्स जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी काउंटर्स पर जो डोजेस देने के लिए तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और अंदर चूँकि एक एक करके लोग पहुँच रहे हैं इसलिए अभी उम्मीद की जा रही है कि सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ेगी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो जिन लोगों के डोजेस पूरे हो चुके हैं या एक दो दिन आगे पीछे उनको कॉल करके बकायदा आज बुलाया जा रहा है, और कुछ ही देर में यहाँ पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुँचेंगे, और इसके साथ साथ किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पर सम्मानित करेंगे, तो आज का दिन जो है तैयारियाँ जो है वो बेहद जोरों पर है। तस्वीर को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स बिल्कुल तैयार है, धीरे धीरे करके निधिश्री कह सकते हैं ये कि आज का दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है, आज जो लोग वैक्सीनेटेड अपने आप को करा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी, क्योंकि ये उनको वाकई प्रोत्साहित करेगा। आज देश के लिए गर्व का दिन है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स से पीएम मोदी ने बात की, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। आज गर्व का दिन, लोग टीका लगवा रहे हैं, और 100 करोड़ के टीके के आंकड़ा छूने में इन लोगों का भारी योगदान भी रहा। आरएमएल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, वहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने 100 करोड़ टीका लगवाने के समय मौजूद वहां लोगों से भी बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण भवन में जो कोविड के लिए वॉर रूम बनाया गया था वहां पर तमाम जो कर्मचारी थे उनसे भी बातचीत की। बाकी आज विकास गर्व का दिन भी है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पटना में बीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात की। देश ने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पार कर लिया है, आज का दिन बेहद अहम और बेहद बड़ा है। मैं इस वक्त आपको अशोका पाटलिपुत्र से तस्वीरें दिखा रही हूं तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जो इस वक्त सामने खड़े हैं, और ये लगातार बीते महीनों से जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया भारत में तब से लगातार डटे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर, चाहे दिन हो रात हो, अलग अलग जगह पर जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो उनका सिर्फ एकमात्र मकसद कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। तमाम लोगों से मैं इस वक्त बात करना चाहूँगी जो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो क्या नाम है आप? मेरा खुशबू वर्मा नाम है। आज देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, आप सबका बेहद अहम योगदान, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई क्योंकि लगातार आप लोग ड्यूटी पर। मेरा नाम नंदी वर्मा है। लगातार आप लोग ड्यूटी पर थे पिछले कुछ महीनों से और एक कंटिन्यू जो है वो काम करते जा रहे हैं, आज 100 करोड़ का वैक्सीनेशन, ये बेहद अहम दिन। सर ये हम लोगों के लिए मैम तो बहुत अहम दिन है क्योंकि हम लोग एक देश इतनी खतरनाक सेकेंड वेव से गुजर चुका था, तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करें ताकि थर्ड वेव की तरफ हमारा देश ना जाए। यहाँ पर केयर इंडिया से मॉनसून है हमारे साथ, जिनकी आंखें मैं देख रही हूँ भर आई है। मॉनसून कैसा लग रहा है? तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं वो डटे हुए थे और ये बेहद मैजिकल नंबर है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ये सबसे भावुक हो थोड़ा सा है क्योंकि हमने वो फेस देखा है लोगों को मरते हुए, लोगों को तड़पते हुए, और कोई अपनों भी हमने खोया था, और जब हम लोग काम कर रहे थे वो डर भी था, आज वो थोड़ा सा अलग सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, प्राउड फील होता है कि देश के लिए अपने हमने भी कंट्रीब्यूट किया है।
तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको सोन पापड़ी मतलब मिठाई खिलाया जा रहा है। मुंह मीठा करने का वक्त इसलिए भी है क्योंकि 100 करोड़ का वैक्सीनेशन ये बहुत बड़ा है और इस तरीके की तस्वीर है। तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स आज यहाँ पर खड़े हैं तो ये बेहद भावुक कर देने वाला पल और फिलहाल जश्न की तस्वीरें जो है वो आपके सामने नजर आ रही है। तो देखिए इस कीर्तिमान में किस किस वैक्सीन का कितना योगदान है। 87 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है, 10 करोड़ लोगों को तकरीबन कोवैक्सीन, 11 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन लगी है और 10 लाख लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लग चुकी है और बाकी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन अभी ये भी मार्केट में आ जाएंगी तो इनको भी लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ABP News, आपको रखे आगे।